केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में जियो थर्मल एनर्जी 1000 मेगावाट कैपेसिटी के प्लांट लगाने का टारगेट रखा है। 2022 तक हम धरती के अंदर मौजूद गर्मी से बिजली बनाने लगेंगे। 11 राज्यों में ऐसी जगह की पहचान भी कर ली गई है जहां जियो थर्मल से बिजली बनाई जा सकती है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। इससे सालाना एवरेज 830 करोड़ यूनिट बिजली बनाई जा सकती है। दरअसल पृथ्वी में 3 से 4 किलोमीटर की गहराई में उष्मा गर्म चट्टान या पानी के रूप में मौजूद है। इससे बनने वाली बिजली को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जियोथर्मल का 1 मेगावाट का प्लांट लगाने की लागत 25 से 30 करोड़ रुपए है। ऐसा एक प्लांट सालाना एवरेज 83 लाख यूनिट जियोथर्मल बिजली बनाएगा। जियोथर्मल प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करीब करीब 9 के बराबर होता है। यह एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। जियोथर्मल प्लांट लगाने के लिए कम जमीन की जरूरत होती है। 1 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए सिर्फ 0.75 से 1.2 एकड़ जमीन चाहिए, जबकि सोलर प्लांट लगाने के लिए 5 से 8 एकड़ जमीन लगती है। गौरतलब है कि इस बिजली की लागत 12 रुपए यूनिट आने का अनुमान है। यह काफी महंगी है। इसे सस्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। देश भर में 340 ऐसे जगहों की पहचान कर ली गई है जहां पृथ्वी में मौजूद गर्मी से बिजली बनाई जा सकती है। यह इलाके 11 राज्यों में हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। पूजा, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।